हे गाइस, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बता दूं कि हम कई सारे क्रैश कोर्सेज आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR, DBT, GATE, ICMR, ICR, एनी लाइफ साइंस एग्जामिनेशन, तो जुड़िए हमारे साथ और इस यूट्यूब चैनल पर देख करिए कई सारे क्रैश कोर्स और कई सारे डिटेल कोर्स के वीडियो इन अ वेरी इंटरेक्टिव, वेरी स्मार्ट एंड वेरी यूनिक वे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा इस चैनल को। बाकी इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बूस्ट हो सके। सो लेट्स चेंज द वे ऑफ लर्निंग एंड वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखने की कोशिश करिएगा। ऑफ रिप्लिकेशन प्रोकैरियोट में होता है मोनो रिप्लिकॉनिक, यूकैरियोट में होता है मेनी रिप्लिकॉनिक, मल्टीपल होता है मल्टी रिप्लिकॉनिक होता है। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन प्रोकैरियोट में बोलते हैं ओआरआईसी, जबकि यूकैरियोट में बोलते हैं एआरएस सीक्वेंसेस। एटी रिच होते हैं, एटी रिच होते हैं। हेलिकेज जो होता है प्रोकैरियोट में डीएनए बी होता है, डीएनए बी होता है, हेलिकेज की बात करता हूं। और एमसीएम हेलिकेज होता है यूकैरियोट में, SS DNA binding protein, single stranded DNA binding protein जो होता है वो SSB ही होता है prokaryote में, लेकिन eukaryote में RPA होता है, eukaryote में RPA होता है। primase का काम करता है DNA G, primase का काम करता है DNA G in the case of prokaryote, लेकिन eukaryote करता है DNA polymerase alpha, DNA polymerase alpha। replicase का काम करता है prokaryote में DNA polymerase third, main replicase का काम करता है DNA polymerase third, जबकि eukaryote में करता है epsilon और delta, epsilon for the leading and delta for the lagging strand। topoisomerase जो होता है वो यहाँ पे gyrase यूज होता है इन द केस ऑफ prokaryote, और eukaryote में यूज होता है first and second for the super coiling removal। is it clear guys? क्लियर है यहां तक? चलिए आगे मूव करता हूं। दैट इज व्हाट द प्रोसेसेस, प्रोसेसेस बहुत ही सिंपल है, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस से समझ सकते हैं डीएनए रिप्लिकेशन को, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। डीएनए ए बाइंड करेगा ओआरआईसी से, वो डीएनए ए जो होगा ओआरआईसी से बाइंड करेगा। ये क्या काम कर रहा है? डीएनए बाइंड कर रहा है ओआरसी की तरफ, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद आएगा डीएनए बी, कैसा काम कर रहा है? ये हेलिकेज की तरह काम कर रहा है। काम करने के बाद ओपन करेगा हेलिक्स को, फिर आएगा आपका प्राइमेज, फिर उसके साथ इसके बीच में क्या आ जाएगा? एसएसबी बाइंडिंग प्रोटीन, वो भी आएगा एसएसबी बाइंडिंग प्रोटीन, और सिंथेसिस ऑफ द प्राइमर और इलॉन्गेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब यूकैरियोट की बात करें, देखिएगा यहाँ पे क्या है, CDC6 एंड CDT, ये क्या है? ये है ओआरसी, जिसको बोलते हैं क्या, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। ये आएंगे बाइंड करेंगे, उसके बाद आएगा हेलिकेज। एमसीएम कैसा है? हेलिकेज का काम कर रहा है। हेलिकेज के बाद क्या आएगा? प्राइमेज आया, पॉलीमरेज अल्फा काम करता है प्राइमर की सिंथेसिस। यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है वो होता है रिप्लिकेशन प्रोटीन ए, RPA, और उसके बाद इलॉन्गेशन स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस, सिंपली प्रोसेस। इलॉन्गेशन के बारे में बात करता हूं। इलॉन्गेशन में पॉलीमरेज थर्ड आएगा, बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद क्या हो जाएगा, बाइंड करेगा Mg2+ चाहिए, Mg2+ यहाँ पे चाहिए, Mg2+ के बाद अब उसमें लीडिंग स्टैंड पे 5'-3' डायरेक्शन होगा, ओका जाके फ्रेगमेंट 5'-3' डायरेक्शन दोनों में होगा। और यहाँ पे भी उसी तरीके से पॉलीमरेज एप्साइलेंट, पॉलीमरेज डेल्टा आएगा लीडिंग और लैगिंग स्टैंड के लिए। टर्मिनेशन प्रोकैरियोट में टच प्रोटीन से होता है, जो कि टर्मिनेशन साइट पे बाइंड करेगा, ब्लॉक कर देता है मूवमेंट ऑफ द हेलिकेज, हेलिकेज के मूवमेंट को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से टर्मिनेशन हो जाता है। इज इट क्लियर जी? चलिए बाकी जो प्रोसेसेस मैंने अभी बताया था उन्हीं के बारे में डिस्कस कर लेता हूं मैं। उन्हीं के बारे में अगर डिस्कस करेंगे आप, सो प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग की बात करते हैं। प्रूफ रीडिंग जो हो जाता है 3'-5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है, मैंने अभी आपको बताया था। प्रूफ रीडिंग, किसी चीज को प्रूफ रीडिंग करना है तो पीछे जाके चेक करना होगा कि हमने गलती करी है कि नहीं करी है, तो वो एग्जैक्टली 3'-5' एक्सोन्यूक्लियस होता है, और प्राइमर रिमोल में 5'-3' एक्सोन्यूक्लियस होता है। ये प्रोकैरियोट में ये दोनों काम डीएनए पॉलीमरेज वन ही करता है, दोनों काम जो करता है वो पॉलीमरेज वन करता है, लेकिन यूकैरियोट में ये काम पॉलीमरेज करता है प्रूफ रीडिंग का काम, लेकिन प्राइमर रिवोल का काम यहाँ पे RNHH और FEN करते हैं। क्या करते हैं? RNHH और FEN करते हैं। अब बात करते हैं जहां पे कि कुछ क्वेश्चंस गेट के एग्जाम में यहाँ पे पूछे जाते हैं। जनरली डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन प्रोकैरियोट में, पांच तरीके के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, पॉलीमरेज वन, पॉलीमरेज टू, पॉलीमरेज थ्री, फोर एंड फिफ्थ।
याद रखे रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है थ्री, क्यों? क्योंकि ये मेन रिप्लिकेटिंग एंजाइम होता है। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट होता है वो होता है फर्स्ट, क्यों? क्योंकि ये डीएनए रिपेयर, ये प्रूफ रीडिंग और प्राइमर रिमूवल तीनों जगह यूज होता है। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज टू असिस्ट करता है थर्ड को, और फोर एंड फिफ्थ जो होते हैं वाई फैमिली पॉलीमरेज है। ये क्या है? वाई फैमिली पॉलीमरेज है, जो कि क्या यूज करते हैं? सॉस रिपेयर में यूज होता है, सॉस रिपेयर में यूज होता है, सॉस रिपेयर, सॉरी इरर प्रोन रिप्लिकेशन में, इट्स नॉट सॉस रिपेयर, सॉरी इरर प्रोन रिप्लिकेशन में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन द इरर प्रोन रिप्लिकेशन, इरर प्रोन रिप्लिकेशन में यूज होता है, इरर प्रोन रिप्लिकेशन। इज इट क्लियर? नाउ डीएनए पॉलीमरेज इन द यूकेरियोट्स, डीएनए पॉलीमरेज इन द यूकेरियोट्स के बारे में बात करता हूं। इसमें भी पांच तरीके के आपके पॉलीमरेजेस होते हैं। कौन कौन से? पॉलीमरेज अल्फा, पॉलीमरेज बीटा, पॉलीमरेज गामा, पॉलीमरेज डेल्टा, पॉलीमरेज एप्साइलन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्साइलन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्साइलन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्साइलन। अल्फा जो होता है वो प्राइमर फॉर्मेशन के लिए होता है, बीटा बेस एक्सीजन के लिए, गामा माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए रिप्लिकेशन के लिए, डेल्टा जो होता है वो लैगिंग के लिए, और एप्साइलन लीडिंग के लिए होता है। ये आपको बताया जा चुका है। टीलोमियर रिप्लिकेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो डीएनए के एंड होते हैं, टीलो का मतलब जो होता है पूछ वाला पार्ट, टीलोमियर में कुछ एंड जो बच जाता है उसको रिप्लिकेट कैसे करते हैं, उसके लिए एक एंजाइम होता है जो होता है टीलोमरेज। टीलोमरेज कैसा नेचर होता है इसका? आरटी मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कैसा काम करता है? पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है आरएनए को डीएनए बनाने वाला काम, ठीक है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की आरएनए से डीएनए बनना, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। इसको अगर मैं बोलूं तो क्या है ये? इसको इस टर्म से भी बोला जाता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इस तरीके से चीजें चलती हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा रिकॉग्नाइज जी रिच सीक्वेंस। क्या करेंगे? जी रिच सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। किस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा? टी टी ए जी जी जी, टी टी ए जी जी जी। ये एक बेसिस के फॉर्म में चेंज भी हो सकता है, कॉन्सेंसस होता है, ठीक है? और हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होगा। एक होता है डी लूप रिप्लिकेशन, जिसको कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लिकेशन बोलते हैं, जहां पे पॉलीमरेज गामा इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे एच लीडिंग स्ट्रैंड होता है और एल जो होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड होता है। इज इट क्लियर गाइस? Your dream is to clear the CSIR NET Life Science. I will bring your dream into reality. With my 4-year experience, smart hacks, smart strategies and smart approach, I will make you fall in love with all the 13 units. My courses are the best combination of smart hacks and the standard books. I am Viren Singh. Join me and my batch and individual courses on an Academy Plus platform and crack the CSIR confidently and smartly. Use the referral code Viren or Viren Life to get the 10% discount. Let's crack it. हे गाइस, होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर बेल आइकॉन पर दबाइए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में मैं और मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कई सारे और कॉन्सेप्ट्स के लेके जुड़ा रहूंगा मैं आपके साथ। सो प्लीज टिल द एंड टेक केयर एंड बाय बाय।